गाइस, क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल देखा है जिसकी लंबाई 4 आदमियों जितनी लंबी होती है? और क्या आपने कभी एक ऐसे क्रोकोडाइल के बारे में सुना है जो कि पेड़ पर भी चढ़ के बैठ जाता है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें से एक क्रोकोडाइल तो इतना खतरनाक है कि वो हिप्पोपोटामस पर भी अटैक करने से पीछे नहीं हटता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है स्लेंडर स्नाउथ क्रोकोडाइल। गाइस, ये क्रोकोडाइल दुनिया का 10वां सबसे भारी और सबसे लंबा क्रोकोडाइल है, जिसमें 325 किलो वेट और इसकी लंबाई 13 फीट होती है। मतलब कि ये क्रोकोडाइल 2 आदमियों से भी ज्यादा लंबा होता है। शुरुआती समय में इसका वेट 125 किलो के आसपास होता है और जैसे जैसे ये अडल्ट होता जाता है, वैसे वैसे इसका वेट भी 125 से 325 किलोग्राम तक हो जाता है। ये क्रोकोडाइल अफ्रीका के खारे पानी में पाया जाता है, इसीलिए इन्हें अफ्रीकन स्लेंडर नोस्ड क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुंह देखने में पतला और लंबा होता है, जिसकी वजह से इनके मुंह के नुकीले दांत बाहर से ही देखे जा सकते हैं। ये क्रोकोडाइल अपना शिकार करने के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये अपना शिकार पानी के अंदर ही करते हैं, जहाँ पर ये मछली, मेंढक, झींगा और केकड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। और अगर इन्हें अपना कोई शिकार पानी के बाहर नजर आ जाए तो ये उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। और कभी कभी तो जब इन्हें अपना कोई शिकार नहीं मिलता है तो ये पानी से बाहर निकलकर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और पेड़ की डालियों पर बैठकर पक्षियों का शिकार करते हैं। और इनकी स्किन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कोई अगर इस क्रोकोडाइल का शिकार भी करना चाहे तो वो खुद ही इसका शिकार हो जाएगा। इसके लंबे मुंह होने की वजह से इसे पानी में भी अपना शिकार करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ये अपने लंबे मुंह से किसी भी छिपे जलीय जीव को उसके बिल से भी बाहर निकाल लेता है और उसका शिकार भी बड़े ही आसानी से कर लेता है। इनमें से मेल क्रोकोडाइल अकेले ही अपना शिकार करता है और ये मेल और फीमेल दोनों अपने ब्रीडिंग सीजन में ही आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। फीमेल क्रोकोडाइल एक बार में 13 से 27 अंडे देती है, जिनमें से लगभग 110 दिन के बाद बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। और ये स्लेंडर नोज्ड क्रोकोडाइल 50 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 9 पर है फॉल्स घड़ियाल। गाइस, इस फॉल्स घड़ियाल का पतला सा मुंह देखने के बाद आप ये मत समझ लेना कि भाई ये आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, क्योंकि ये घड़ियाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहां एक अडल्ट घड़ियाल में 500 किलो तक वजन होता है और इसकी लंबाई 16.4 फीट होती है, जो कि ये घड़ियाल लगभग 3 आदमी जितना लंबा होता है। इस फॉल्स घड़ियाल की स्किन बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, जो कि अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारता है। जहां ये अपनी नाक और आंखों को पानी से बाहर निकालकर घंटों तक पानी में एक ही जगह रुका रहता है और अपने शिकार का वेट करता है, और शिकार पास आते ही उस पर फुर्ती से हमला भी कर देता है। 1970 के समय में ये प्रजाति थाईलैंड में पाई जाती थी, लेकिन आज के समय में ये वहां से विलुप्त हो चुकी है, जो कि अब ये दुनिया में सिर्फ 2500 ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादा संख्या में ये इंडिया में ही पाए जाते हैं। फॉल्स घड़ियाल के पतले और लंबे मुंह में 76 से 84 दांत होते हैं और इस घड़ियाल के अंडे दुनिया में सभी मगरमच्छों से ज्यादा बड़े होते हैं, जिसकी माप लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। ये फीमेल घड़ियाल एक बार में 20 से 30 अंडे देती है, जिसमें से 3 महीनों में बच्चे बाहर निकल कर आ जाते हैं। नंबर 8 पर है मुगर क्रोकोडाइल। गाइस, इस मुगर क्रोकोडाइल को इंडियन क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एशिया के इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान और श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज में पाया जाता है। इस क्रोकोडाइल को आप देखते ही पहचान लोगे, क्योंकि इसकी स्किन पर काले धब्बे होते हैं और ये ज्यादातर दलदल में रहने की वजह से गंदे ही रहते हैं। एक मुगर क्रोकोडाइल में 200 से 250 किलो तक वेट होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका वेट 250 किलो से 500 किलो तक हो जाता है। और इसकी नॉर्मली लंबाई 13.1 फीट से 14.8 फीट तक होती है और मैक्सिमम लंबाई 17.1 फीट तक हो जाती है। इसके पैर छोटे होने की वजह से ये क्रोकोडाइल उबड़ खाबड़ जगह पर नहीं चल पाता है, क्योंकि ये जमीन पर चलता है तो उसका पेट भी जमीन से टच होता है। नंबर 7 पर है अमेरिकन एलिगेटर। गाइस, इस एलिगेटर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। ये ज्यादातर अमेरिका के लुइसियाना और फ्लोरिडा में पाए जाते हैं। इस अमेरिकन एलिगेटर का साइज देखने के बाद आप जरूर डर जाओगे, क्योंकि इसकी लंबाई 11 से 15 फीट होती है और इसकी मैक्सिमम लंबाई तो 20 फीट तक होती है। इस एलिगेटर के पैर इतने बड़े होते हैं कि जब ये जमीन पर चलता है तो लगता है जैसे कि ये खड़े होकर चल रहा है। ज्यादातर क्रोकोडाइल जमीन से चिपक कर ही चलते हैं। इसका बड़ा आकार और इसका अनोखा ब्लैक कलर देखकर इसे बड़े ही आसानी से पहचाना जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस एलिगेटर की वेट की, तो इसमें नॉर्मली 250 किलो तक का वेट होता है और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका वेट 1000 किलो तक हो जाता है। 1967 के समय में ये एलिगेटर अमेरिका से विलुप्ति की कगार पर था, क्योंकि लोग इन एलिगेटर्स का शिकार करना शुरू कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सख्त कानून बनाने पर इनकी प्रजाति को बचाया गया और आज के समय में इनकी संख्या लाखों में है। नंबर 6 पर है घड़ियाल। गाइस, ये घड़ियाल ज्यादातर सिर्फ हमारे इंडिया और नेपाल में ही देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखते ही आप इन्हें बड़े ही आराम से पहचान लोगे, क्योंकि इनका मुंह आगे से बहुत ही पतला
काला होता है और इनके मुंह के दांतों को आप बाहर से ही क्लियरली देख सकते हैं। ये अपना शिकार करने में बहुत ही सक्षम होते हैं, जो कि ये मछलियों और पक्षियों का शिकार बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। और इनका ये पतला सा मुंह देखने के बाद आप इन्हें कमजोर समझने की भूल कभी मत कर लेना, क्योंकि इनका सिर्फ मुंह ही पतला होता है, बाकी का इनका शरीर 977 किलो तक के वेट का होता है। और नॉर्मली इनका वेट 160 से 250 किलो तक होता है और ये 9.8 फीट से लेकर 16.4 फीट तक लंबे होते हैं और इन्हीं में से कुछ घड़ियाल 20.5 फीट तक भी लंबे होते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन दिसंबर और जनवरी में होता है, तभी ये मेल और फीमेल घड़ियाल मिलते हैं। और फिर मार्च और अप्रैल के समय में फीमेल घड़ियाल अपने बनाए घर में 35 से 40 अंडे देती है, जिसके बाद मेल और फीमेल घड़ियाल दोनों ही इसकी देखभाल करते हैं और 60 से 80 दिनों में इन अंडों से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। नंबर 5 पर है अमेरिकन क्रोकोडाइल। गाइस, ये भी अमेरिकन एलिगेटर की तरह ही अमेरिकन क्रोकोडाइल है, लेकिन इसकी खूबियां अमेरिकन एलिगेटर से काफी अलग है। ये साइज और वेट दोनों में ही अमेरिकन एलिगेटर से बड़ा होता है। एक नॉर्मल अमेरिकन क्रोकोडाइल का वजन 382 किलो तक होता है और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका वेट बढ़कर 1000 किलोग्राम तक हो जाता है और इसकी लंबाई 14 फीट से लेकर 22 फीट तक होती है। ये क्रोकोडाइल अपना शिकार करते समय कोई भी मूवमेंट नहीं करता है और जैसे ही इसका शिकार इसके पास आता है वैसे ही ये उस पर अटैक कर देता है। और ये अमेरिकन क्रोकोडाइल अपना शिकार करने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी होता है। ये अपना शिकार करने के लिए खाए हुए मांस के टुकड़ों को मुंह से बाहर निकाल लेता है और जैसे ही इन मांस के टुकड़ों को खाने के लिए कोई मछली या कोई जलीय जीव आता है वैसे ही ये क्रोकोडाइल उसका शिकार कर लेता है। नंबर 4 पर है ब्लैक कैमन। गाइस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक कैमन, तो ये ब्लैक कलर का कैमन होता है जिसका रंग काले होने के साथ साथ भूरे रंग का भी होता है। इसका एवरेज वेट 350 किलो होता है और इसका मैक्सिमम वेट 1100 किलोग्राम तक होता है। अब अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो इसकी मिनिमम लेंथ 13 से 16 फीट तक होती है और इसकी मैक्सिमम लेंथ 20 फीट तक हो जाती है। इस ब्लैक कैमन की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये अपना शिकार रात के समय में करता है। ये ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं होते हैं, लेकिन अपने ब्रीडिंग सीजन में ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कोई भी जानवर इनके अंडों के आसपास भी नहीं भटक सकता, क्योंकि ये हर समय ही उनकी देखभाल करते रहते हैं। नंबर 3 पर है ओरिनोको क्रोकोडाइल। ये ओरिनोको क्रोकोडाइल देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी फुर्तीला नहीं होता है। अब ये बात सुनने के बाद आप इसके पास मत चले जाना, क्योंकि ये अपना सिर्फ शिकार करने के लिए बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है। मतलब कि ये अपना सिर्फ शिकार ही फुर्ती से करता है, बाकी का ये ऐसे ही पड़ा ही रहता है। ये पक्षियों, मछलियों और स्तनधारी जीवों को अपना शिकार बनाता है। ये क्रोकोडाइल पॉलीजिन्स मेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, मतलब कि एक मेल क्रोकोडाइल कई फीमेल क्रोकोडाइल के साथ संबंध बना सकता है। ये फीमेल क्रोकोडाइल एक बार में 15 से 70 अंडे तक दे सकती है और इन अंडों से 70 से 90 दिनों में बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। बच्चे बाहर आने के 1 से 3 साल तक इनकी माँ ही इनकी देखभाल करती है। उसके बाद ये बेबी क्रोकोडाइल्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब कि उसके बाद ये क्रोकोडाइल्स अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। नंबर 2 पर है नाइल क्रोकोडाइल। गाइस, ये क्रोकोडाइल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है, जिसकी लंबाई 13.8 फीट से लेकर 21.1 फीट तक होती है और इसका एवरेज वेट 410 किलोग्राम तक होता है और मैक्सिमम वेट 1090 किलो तक होता है। इस नील क्रोकोडाइल के जबड़े और दांत व्हाइट शार्क से भी 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इनका जबड़ा इतना ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से ये किसी भी बड़े से बड़े जानवर पर भी हमला कर सकते हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये क्रोकोडाइल हिप्पोपोटामस तक को नहीं छोड़ता है। ये अपनी भूख के लिए उस पर भी अटैक कर सकता है और इनकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आपस में ही लड़ भिड़ कर एक दूसरे को ही मार डालते हैं और ये अपने जैसे दूसरे क्रोकोडाइल्स का भी शिकार कर सकते हैं। और गाइस, इसके अलावा फीमेल नेल्स की भी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर उसके बच्चों पर किसी भी तरह का कोई खतरा होता है तो उन बच्चों की माँ अपने गले के अंदर एक विशेष थैली में छिपा लेती है, जिससे कि उसके बच्चों पर कोई दूसरा जानवर अटैक न कर पाए। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। गाइस, ये क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है, जिसका एवरेज वेट 450 किलोग्राम होता है और इसका मैक्सिमम वेट 2000 किलोग्राम तक होता है और इसकी लंबाई 14.8 फीट से लेकर 23.3 फीट तक होती है, जो कि लगभग ये क्रोकोडाइल 4 आदमियों जितना लंबा होता है। इसका इतना बड़ा साइज देखने के बाद आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये क्रोकोडाइल कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भैंस, बंदर, जंगली सुअर और जहाँ तक कि शार्क्स को भी अपना शिकार बना सकता है। ये मेल और फीमेल दोनों ही नवंबर और मार्च के समय में अपना संबंध बनाते हैं, जिसके बाद फीमेल क्रोकोडाइल 40 से 60 अंडे तक देती है और फिर उसके बाद इन अंडों से बच्चे बाहर आने में 90
90 दिन तक का समय लग जाता है। इनके बच्चे अंडों से बाहर आने से पहले ही अंडे के अंदर ही चहचहाने लगते हैं, जिसके बाद इन बच्चों की माँ अंडों को फोड़कर बच्चों को अंडे से बाहर निकाल लेती है। और फिर ये फीमेल क्रोकोडाइल अपने बच्चों को अपने साथ तब तक रखती है जब तक कि वो खुद अपनी देखभाल ना कर पाए। उसके बाद ये बच्चे खुद ही अपनी माँ को छोड़कर अपना शिकार करने चले जाते हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी क्रोकोडाइल्स में से सबसे डेंजरस क्रोकोडाइल कौन सा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।